आज श्रवण द्वादशी कहलाती है, कहीं इसका कांजीवारस भी नाम प्रसिद्ध है। आज द्वादशी का व्रत है, उसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम, श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः स्वाहा, श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्रों का उच्चारण हुआ। अब आप जो है भव्यात्माओं श्री भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में आकर के और ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः, ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः, ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः, ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। भव्यात्माओं जैसा कि आपको विदित है, 10 दिन में 10 अध्याय का गौतम गणधर वाणी का वाचन करती हूँ, उसमें संक्षेप में ही आज आपको ले चलूँगी, क्योंकि ये प्रकरण देवसिक प्रतिक्रमण से उद्धृत श्री गौतम गणधर की वाणी के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त है। आप सुनेंगे, परिक्वाई भन्ते एके भावे अनाचारे वेशु राय दोषेशु तीसु गुत्तीसु तीसु गार्वेशु तीसु दंडेशु चौसु कसायसु चौसु सन्नासु पंचसु महावयसु पंचसु समिधिषु छसु जीवन कायसु छसु आवासेशु आदि। यानी विस्तार से इसमें एक आचार्य देव कहते हैं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं, परिक्माई भन्ते एक के भावे अनाचार्य, एक भाव अनाचार है संसार में। एक भाव क्या है? पहला मुख्य रूप से अनाचार। अनाचार के दो अर्थ हैं। एक तो ये अर्थ है कि जो आचार सम्यक चारित्र आज तक ग्रहण नहीं किया तो चारित्र रहित जीवन जो है वो अनाचार कहलाता है। यानी चारित्र से रहित अवस्था, अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बने वो अवस्था अनाचार अवस्था है। और एक है अनाचार व्रतों को लेकर के भंग कर दिया। अनाचार के दो अर्थ हैं, आप ध्यान रखें। तो जो अणुवृत्ति हैं या महावृत्ति हैं वो अनाचार से आगे उठ करके और आचार में आ गए हैं। एक देश रूप से पंच अणुव्रतों को पालन करने वाले हैं और महाव्रति पूर्ण रूपेण पांचों महाव्रत पांच पापों का पूर्ण रूपेण त्याग करके महाव्रति हैं, तो ये आचार में आ गए हैं। तो उनसे रहित अवस्था संसारी जीवों की अनादिकाल से चली आ रही है वो एक अनाचार अवस्था है। यानी आचार को सम्यक चारित्र को नहीं प्राप्त कर पाना। वेशु राय दोषेशु, दो है राग द्वेष। राग और द्वेष से ही संसार चला आ रहा है। राग को जो है दो भागों में विभक्त किया है, एक प्रशस्त राग एक अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग ये है जो देव शास्त्र गुरु इनके प्रति अनुराग है, धर्म के प्रति अनुराग है, तीर्थों के प्रति अनुराग है, ये सब अनुराग राग प्रशस्त राग है और ये मोक्ष मार्ग में कारण है। तो ये वर्जित नहीं है, ध्यान रखें आप, ये आपके और हमारे लिए ग्राही है। आज के मुनि भी सब सरागी कहलाएंगे, इनकी सरागी चर्या है। छठे सातवें गुणिस्थान के मुनि महामुनि भी सराग चर्या करने वाले हैं, संघों का संचालन करना, 28 मूल गुणों का पालन करना, निर्दोष आहार लेना और विहार आदि करना, तीर्थों का जीर्णोद्धार विकास आदि में रुचि लेना, प्रेरणा देना, धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में भाग लेना, प्रेरणा देना आदि। ये श्री कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा है कि दंशन नानु देशो शिष्यक गहनम च पोषणम तेसिम सरिया ही सरागा राम चरिया ही सरागा नाम जिनिंद पूजो देशो। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। दर्शन ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उनका पोषण करना और चरिया ही सरागा नाम जिनेन्द्र पूजो उदेश हो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना आदि, ये सब सराग चर्या है। तो मुनियों की भी सराग चर्या, सराग चारित्र छठे गुणिस्थानवर्ती महामुनियों तक पाया जाता है। निर्विकल्प ध्यान में वीतराग चारित्र होता है, ध्यान रखें। तो आज वो कदाचित क्वचित निर्विकल्प ध्यान में किंचित संभव है, लेकिन वो ध्यान निर्विकल्प ध्यान आगे जाकर के गुणिस्थानों में होता है। तो इस पंचम काल में सराग चर्या वाले ही साधु मुख्य रूप से हैं, ध्यान रखिए आप।
और श्रावक तो सराग चर्या सराग संयम को धारण करने वाले हैं, संयमा संयम को धारण करने वाले हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के अष्ट मूल गुणों को धारण करने के बाद से लेकर के और ग्यारहवीं प्रतिमा तक शुलग अलग तक सब संयमा संयमी हैं। और आरिकाओं के संयमा संयम न मान करके उपचार से महाव्रत माना है, 28 मूल गुण माने हैं। ये आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज इस पर बहुत प्रकाश डालते थे, बहुत जोर देते थे, और मूलाचार एवं अनगार धर्म आदि के और प्रसमान योग के प्रमाण दिखाया करते थे। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आयिकाओं के 26 मूल गुण न होकर 28 मूल गुण ही माने गए हैं। और वस्त्र लेना और बैठकर चर्या आहार करना ये उनका मूल गुण ही है। इसके अतिरिक्त हमेशा ध्यान रखें इसमें अंतर है, इसीलिए वो सवस्त्र होने से ही उनके आगे के गुण स्थान और श्रेणी आरोहण और मोक्ष की प्राप्ति दिगंबर जैन परंपरा में नहीं मानी है। श्वेताम्बरियों ने तो स्त्रियों को भी मुक्ति मानी है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में नहीं मानी, क्योंकि वो नग्न वेश धारण करने के लिए उनकी आज्ञा नहीं है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। तो सराग चर्या चलती है और गृहस्थ का, कुटुंब का राग, धन का राग, मकान दुकान का राग, ये सब संसार संबंधी जो राग है उस राग को दूर करने के लिए ही ये षट आवश्यक आदि क्रियाएँ हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहते हो छोड़ नहीं सकते। और अशुभ राग तो सरसा वर्ज है, इसलिए और द्वेष यद्यपि सरसा वर्ज है फिर भी आपको और हमको, जैसे पाप से भी द्वेष है, पापियों से भी द्वेष नहीं, हमेशा ध्यान रखो पाप से द्वेष, पाप को पाप से दूर रहना, लेकिन पापियों से विद्वेष नहीं है। उनको तो आचार्यों ने भी धर्मोपदेश दिया है चांडाल तक को, और उन्हें धर्मोपदेश दे करके और उन्हें मांसाहार आदि का त्याग करा करके और उनका उद्धार कर दिया है। देखा जाता है खजीरसार भिल्ल मांसाहार कौवे का मांस का त्याग करके आगे जा करके महापुरुष बन गए। तो बात यही है कि ये सब चर्या राग द्वेष तीन है, दंड यानी मनोरंजन काय की अच्छी प्रवृत्ति, और तीन गुप्तियाँ, तीन गारो उनका त्याग, चार कषाय उनका त्याग, पांच चार संज्ञाएं हैं उनसे धीरे धीरे छूटना, पांच महाव्रत हैं, पांच समति हैं, छह जीव निकाय यानी पांच स्थावर और तिरस्काय की जीवों की दया पालना, छह आवश्यक क्रियाएं आदि, ये सब जो है नौ ब्रह्मचर्य गुप्ति हैं, आठ शुद्धि हैं, नौ ब्रह्मचर्य, ये सब बातें इनकी टीका श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने विस्तार से की है और उसका भी अनुवाद हो चुका है, आपको वो भी पढ़ने को मिल सकता है। तो भव्यात्माओं, दस प्रकार के श्रवण धर्म, ये जो उत्तम क्षम आर्द्र आर्जो आदि के धर्म हैं, दस प्रकार के श्रवण धर्म माने हैं, ग्यारह प्रकार की प्रतिमाएँ, हमेशा ध्यान रखें ये प्रतिमाएँ ग्यारह प्रकार की प्रतिमाओं का व्रत यह अनादिकालीन है और गौतम स्वामी की वाणी से आया हुआ है, और तीर्थंकर भगवंतों ने भी पूर्व जन्म में भगवान ऋषभदेव ने ही क्षुल्लक वेश धारण किया हुआ है। तो ये अनादिचर्या है। और जहाँ तक जो बात आई है चर्चा, अभी कल भी चर्चा उसकी आई मेरे पास, क्षुल्लक के और अलग के हाथ में पिच्छी रखना प्रथमान योग में और जो दीक्षा विधि उसमें और सभी ग्रंथों में उल्लेख है, पिच्छी मयूर पंख की पिच्छी क्षुल्लक और अलग के हाथ में रहती ही है, उन्हें दिया जाना, और उनके प्रमाण प्रथमान योग में भी उपलब्ध हैं और दीक्षा विधि आदि में भी है, बहुत क्षुल्लक अलग पिछोभ करणम ग्रहण ग्रहण आदि मंत्र हैं। तो बात यही है कि क्षुल्लक और अलग की परंपरा भी अनादिकालीन है और चतुर्थ काल में भी रही है, विधेय क्षेत्र में भी है, और आरिकाएँ महावृतिमानी हैं, यह हमेशा ध्यान में रखना। ये आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा के अनुसार आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के अनुसार, मूलाचार्य के अनुसार, एक बात बीच में आ गई तो मैं आपको स्पष्टीकरण करूं कि सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन क्षुल्लक अलग तक के लिए निषिद्ध है और आरिकाओं के लिए पढ़ने का विधान है। तो इस पर जो है एक बार आचार्य वीरसा जी महाराज के सामने चर्चा आई कि आरिकाएँ सवस्त्र हैं और वो सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कैसे कर सकती हैं। तो उसके लिए आचार्य श्री वीरसार महाराज ने कहा कि देखिए आरिकाओं की चर्या 28 मूल गुण रूप है
और क्षुल्लक और अलग से उठ करके ऊपर हट करके आगे हैं, महावर्ती हैं, उनके द्वारा भी पूज्य हैं, और एक अकेले मात्र लंगोटी वाला भी अलग उन्हें नमस्कार करता है। ये व्यवस्था और परंपरा है आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो उन्हें सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का और उसको लेखन आदि करने का आचार्य श्री वीरसार जी महाराज और शिवसार महाराज और धर्मसार जी महाराज ने समर्थन किया और आज्ञा दी। जब भी मैंने सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ करके षटखंडागम ग्रंथ पर टीका लिखी है, ध्यान रखें। और इसके प्रमाण मूलाचार आदि में हैं कि आरिकाएँ जो है एकादशांग भ्रज जाता सारिका पी सुलोचना, सुलोचना आरिका ग्यारह अंक पाठी हुई। तो आचार्य महाराज कहते थे जब सुलोचना आरिका ग्यारह अंक पाठी हुई हैं तो गणनी माताएं तो ग्यारह अंक पाठी होती ही होंगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो उनको जो है अंग और आदि पढ़ने का निषेध नहीं है। लेकिन जो है वर्तमान में कुछ साधु आरिकाओं को निषेध करते हैं, लेकिन आचार्य वीरसार जी महाराज की आज्ञा से ही हमने ग्रंथों का पठन पाठन षटखंडागम आदि ग्रंथों का पठन पाठन लेखन आदि किया है। वो कहते थे कि विद्वानों से तो आगे बढ़कर के आरिकाएँ उनसे भी अधिक पूज्य हैं, तो जब विद्वान ने शास्त्रों को लिखा है तो आरिकाएँ क्यों नहीं लिख सकती। अनगार धर्मामृत चारित्र सार ये विद्वान पंडितों के द्वारा लिखे गए हैं, ध्यान रखिए। आशाधर जी विद्वान पंडित थे, चामुंडराय जी पंडित विद्वान थे, वो मुनि नहीं, मुनि अवस्था में नहीं और गृहस्थावस्था में चारित्र सार का लेखन किया है। तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने समाधान हमेशा दिया है कि आरिकाएँ जो है उनको अंग पढ़ने का ग्यारह अंग तक पढ़ने का विधान है, तो इसलिए वो पढ़ भी सकती हैं और लिख भी सकती हैं। तो बात यही है कि आचार्य श्री शांतिसार और वीरसार जी महाराज की परंपरा में मैंने उनसे बहुत कुछ पाया है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज के चरणों में एक महीना रहकर कुंथलगिरी में मैंने उनके मुख से बहुत कुछ सुना है और आज्ञा प्राप्त की है। और आचार्य वीरसार जी महाराज की चरण सानिध्य में मुझे 22 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य शिवसार महाराज के साथ तो 8-10 चातुर्मासी हुए हैं, वर्षा योग हुए हैं, और धर्मसार जी महाराज के साथ भी 3-4 वर्षा योग हुए हैं। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखें आगम के परिप्रेक्ष्य में आरिकाएँ आरिकाएँ हैं, उनकी नवधा भक्ति, उनके लिए आगम में प्रमाण 28 मूल गुण आदि के प्रमाण और गणनी पद प्राप्त करने के प्रमाण, पढ़ने पढ़ाने के सिद्धांत ग्रंथ आदि को पढ़ने लिखने आदि के आज्ञा, ये सब गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुई हैं। और जब भी मैं उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति करती हूँ। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये सब जो चर्याएँ हैं ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में भले अंतर पड़ गया है, वर्तमान में जो है कहीं आचार्यों की, कहीं आरिकाओं की नवधा भक्ति बंद कर दी गई है, कहीं छिलक का भी बिना पीछे के ही हो गए। तो बात यह है ये सब जो है आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिद्धार्थ छिलक आदि उनके हाथ में मयूर पंख की पिच्छी, यशस तिलक चंपू में चतुर्थ काल में अभय मत्य और अभय रुचि नाम से भयन बहन भाई जो छोटी उम्र के थे, छिलक छिलका थे, जो यशस तिलक चंपू में उनके प्रमाण आते हैं, तो ये सब जो है पिच्छी सही थी थे, आगम में इसके प्रमाण उद्धृत हैं और मैंने कई बार बताए भी हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको और आचार्य शांतिसार जी महाराज की परंपरा में हमेशा देखना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते थे कि आगम से अतिरिक्त अगर हमारी चर्या में कोई आप बताएंगे तो हम आज ही उसका संशोधन करने को तैयार हैं। कई बार उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, मेरे सामने भी चर्चाएँ आई हैं आचार्य श्री शिवसार जी महाराज के सामने, धर्मसार जी महाराज के सामने हमेशा उसके प्रमाण दिए हैं। तो ये चर्या और ये अभिषेक की परंपरा, अभिषेक देखने की परंपरा, अभिषेक के समय भक्ति पाठ की परंपरा और पंचावृत अभिषेक, महिलाओं के द्वारा अभिषेक आदि किया कराया जाना, ये सब परंपराएं आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री शांतिसार महाराज की परंपरा, आचार्य श्री महावीर की महाराज की परंपरा से चली आई हैं, इसमें आप लोग कभी भी संदेह नहीं करना, हमेशा ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये गौतम गणधर वाणी का संक्षेप में मैंने आपको जरा सा सार बताया है। इन अध्यायों को भी आप पढ़ें और उनकी वाणी को पढ़ करके अपने जीवन में समझें कि ये श्रुति ज्ञान गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ जो ज्ञान, ये आज का ज्ञान हमारा, यही ज्ञान एक न एक दिन हमें केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। ये इसलिए मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि ये श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीज है,
आज हम बीजारोपण कर रहे हैं, ये बीज है, यही ज्ञान हमारा सुर ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। इसी की भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये कल्पद्म विधान जो चल रहा है इसके बारे में भी हम आपको कल थोड़ा इसके विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि इस कल्पद्म विधान में हम और आप कहाँ कहाँ पूजन कर रहे हैं, किन किन की पूजन कर रहे हैं। और आपको बहुत सा इसमें नया विषय मिल रहा होगा। कल आपने समोसरण में स्थित 7 प्रकार के मुनियों की पूजा की है। 7 प्रकार के मुनि कौन हैं, ये समोसरण में रहते हैं और मुनियों की सभा जो है एक स्वतंत्र है। तो बात यही है कि ये सब प्रकरण मैंने तिरुवेपनत्ती ग्रंथ से लेकर के और इसको मैंने लिया है उसको उसके आधार से ही और इस विधान में ये सब विषय रखे हैं। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें। ये कल्पद्म विधान भी आपके मनोरथों को सफल करके कल्पद्म वृक्ष के समान फल देवे, इसी भावना के साथ सबके लिए पुनः मंगल आशीर्वाद। ओम श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, त्यागात ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति। शांति चाहिए हो, निर्विकल्प रहना हो और निर्विकल्प अवस्था को चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा, चिंतन कीजिए। जो 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 त्यागते गए हैं वो पूज्य होते गए, जो जोड़ते गए हैं वो संसार सागर में डूबते गए। रागी जोड़ता है और जुड़ता है, त्यागी छोड़ता है और छूटता है। कभी चिंतन कीजिएगा, जैसे आप चिंतन करते हैं कि मुझे पैसे वाला बनना है, कभी आप भावना करते हैं मैं बहुत बड़ा राजनेता हो जाऊं, मेरा बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर हो जाए, ऐसे भी आप चिंतन कीजिए हम पापी हैं या पुण्यात्मा हैं। कभी चिंतन करना, आप याद रख लेना, सामने वाला झूठ बोल सकता है, आपका गूगल भी झूठ बोल सकता है, लेकिन आप सच्चे हृदय से बैठ जाइए और भगवान का एक मंत्र का स्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और अपने से पूछिए कि संसारी बनने में आनंद है क्या, सन्यासी बनने में आनंद है। हे भगवान, हम रागी हैं, रागी जीवन हमको जीना चाहिए क्या, त्यागी जीवन जीना चाहिए। हे भगवान, हमारा जीवन धर्ममय हो क्या धनमय हो, आप स्वयं अपने आप से पूछना, लेकिन सच्चे दिल से पूछना। कभी दिल कभी झूठा नहीं बोलता है। महान आत्माओं, जैन धर्म की कुछ बातें बहुत विशेष हैं। जीवन में 4 बातें जरूर याद करना, आप लोग त्याग करो या ना करो इनका चिंतन मंगन मनन जरूर करना। भरत चक्रवर्ती जैसा व्रक्त सब कुछ होकर के सब कुछ त्याग कर दिया, भरत चक्रवर्ती जैसा व्रक्त जीव और सुकुमाल राजकुमार जैसा त्यागी और बैरागी जम्बू कुमार जैसा बैरागी और राजा श्रियांश जैसा दानी, त्याग
निश्चित है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप जीवित हैं, जीवित हैं, जीना चाहते हो, जी रहे हैं, सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ती है, वहां भी त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। त्याग क्या त्याग करना? बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रहों के त्याग के साथ आज का दिवस यह भी कहता है, राग द्वेष कसाय मिथ्यात्व का भी त्याग कर दो। साधु के लिए धवला पुस्तक 8 में पेज नंबर 78 में लिखा है, प्रासुक दान साधु करते हैं। रत्नात्रय का दान ग्रस्तों के लिए संभव नहीं है। आप लोगों के लिए दानम पूजा मुखम, साधु क्या दान देते हैं जीवन में, क्या दो सामने वाले को? आप जरूर 5 लाख का डायमंड की रिंग दे सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं दान देना हो तो दो दान सबसे बड़े दान है, अपेक्षाकृत। एक सामने वाले के लिए आप मांगलिक भावना रखो, उसके लिए सद्भावना का दान दो। साधु क्या देता है आपको? क्यों दौड़े दौड़े आते हैं आप लोग? सिर्फ वह आपके लिए सद्भावना का दान देता है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि धर्ममय हो, आनंदमय हो आपका जीवन, ये दान दो। और दूसरा है समय दान, अपने वालों के लिए और अपने लिए भी।